Hello everyone, it is evening time, so good evening and welcome to the Vedanta Education YouTube channel. As usual, this is audio video lecture channel for the board classes 10th and 12th, and this is the class for 12th Science Chemistry. I am Vansa Sharma and welcoming back to you 12th Science End. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर है. इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स सेपरेटली चलते हैं. हिंदी मीडियम के लेक्चर का जो हम सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज द सेकंड लेक्चर टू ऑन द सॉलिड स्टेट. ओके, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पे ये दूसरा लेक्चर है. मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि पहला लेक्चर जो था आपका, उसके अंदर हमने बात की थी कि ठोस के बारे में और उसकी जो प्रावस्थाएं हैं उनके बारे में बात की थी हमने. और उसके अलावा हमने जो कणों के मध्य अन्योन क्रियाएं होती हैं, या आप कह सकते हैं कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, उसके आधार पे हमने ठोस को क्लासिफाई किया था, वर्गीकरण किया था. और ये दूसरा लेक्चर है, आइए अपन इसकी बात करते हैं. इसके अंदर हम सबसे पहला बात करेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं. ओके, देखिए जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य वर्गीकरण जो है, ये कणों की जो व्यवस्था होती है ठोस में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो ठोस के कण होते हैं उनका एक क्रम होता है, या तो एनियमित होंगे या नियमित एक क्रम होता है. कुल मिलाकर के वो बिल्कुल पास पास में व्यवस्थित रहते हैं. ठीक है, तो उस व्यवस्था के आधार पे, उस क्रम के आधार पे हम क्या करेंगे, इस ठोस को दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं, जिसमें क्या है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है. ओके, सो हमने लिखा है कि ये वर्गीकरण ठोस के कणों की व्यवस्था के आधार पे है. ठीक है, देखिए हम उनको परिभाषित भी करेंगे और इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कि भाई जो ये वर्गीकरण है, ठीक है, इसको हम दोनों में अंतर के आधार पर पढ़ेंगे. तो आपके सामने ये जो टेबल है, देखिए हम इसमें एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर अपन बात करेंगे. देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, बात करते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, देखिए अगर कोई ठोस जो होता है, उस ठोस को अगर हम गलित अवस्था से ठोस में बदलते हैं, ध्यान दें गलित अवस्था से ठोस में बदलते हैं, तो हमें ठंडा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है. ठीक है, उल्टा चल रही, गलित से ठोस तो हमें ठंडा करना पड़ेगा उस क्रम. और अगर पदार्थ को हमने क्या किया है, बहुत ही जल्दी ठंडा कर दिया है, क्या, क्विक कूलिंग, ठीक है ना, कैसे, जल्दी से ठंडा करने पर प्राप्त कौन कौन अक्रिस्टलीय. ठीक है, और क्रिस्टलीय कब प्राप्त होता है, धीरे धीरे ठंडा करने पर. ठीक है, धीरे धीरे ठंडा करने पर. ठीक है ना, देखिए इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कणों को या पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जैसे ही पदार्थ को ठंडा करेंगे तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, वो गति कर रहे हैं, वो कम हो जाएगी और कण शांत हो जाएंगे. तो उसमें यही तो होता है, कण शांत होते हैं, पास पास में बैठे होते हैं, तो जैसे ही हम ताप कम करेंगे तो कण क्या होंगे, शांत बैठेंगे. लेकिन अगर ताप को धीरे धीरे कम करेंगे तो उन कणों को व्यवस्थित होने के लिए समय मिलेगा और एक निश्चित व्यवस्था में आ जाएंगे, एक निश्चित क्रम में आ जाएंगे. और अगर हमने उसको जल्दी से ठंडा किया है तो कणों को एक निश्चित व्यवस्था में आने का समय नहीं मिलेगा और वो जहां है वहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे. समझ आ रही बात, मतलब अगर हम तेजी से ठंडा करेंगे तो क्या होगा, एक निश्चित क्रम नहीं आएगा, अव्यवस्थित अनियमित क्रम कणों का रहेगा. क्लियर है बात. लेकिन अगर हमने धीरे धीरे ठंडा किया है तो उसका क्रम क्या रहेगा, एक निश्चित क्रम. ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को हम इसी आधार पे जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति है, एक निश्चित और लगातार व्यवस्था है. देखिए ऐसी व्यवस्था है, निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है, नियमित ज्यामिति होती है और वो ही लगातार बनी रहती है. ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है कि वो कैसी होगी, अनियमित व्यवस्था होगी, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है कि कौन कण के बाद कौन. अच्छा देखिए अपन डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं. यहां देखिए, हालांकि ये विषम दशकता का गुण है, आप ये जो एरो बने हुए हैं इनको ना देखें, सिर्फ आप ये देखिए कि ए बी ए बी ए बी
निश्चित है, एक जैसे है, देखिए बी ए बी ए बी ए इस टाइप से चल रही, तो किसी भी डायरेक्शन में आप अगर देखते हैं तो कणों की व्यवस्था निश्चित आ गई, यह है क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था, ठीक है। और अगर कैसे आते कण ए बी उसके बाद सी, ए बी दो बार बी चार बार बी, तो क्या होता एनलिमिट व्यवस्था होती है, उसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलीय होते। तो पहले हमने क्या किया इसके बीच में डिफरेंस किया, जो इसकी परिभाषा भी है आकार क्या है उसका, निश्चित ज्यामिति है, नियमित क्रम है, तो उसको क्या बोलेंगे क्रिस्टलीय, अनियमित और अनिश्चित ज्यामिति है तो क्या कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। वेरी वेल, हैव यू क्लियर इट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो आप थोड़ा सा प्लेबैक करके उसको वापस से सुन सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। देखिए दृश्यता की बात करते हैं, जैसे कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोस में से आर पार कभी नहीं देखा जा सकता, वह अपारदर्शी होता है। और अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो अर्ध पारदर्शी होता है, जिसको अपन ट्रांसल्यूसेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये ट्रांसल्यूसेंट हो गया, मतलब क्या है इसमें से कोई चीज आर पार तो नहीं दिखती है लेकिन प्रकाश आर पार जा सकता है, इसमें से प्रकाश के आर पार नहीं जा सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कणों की व्यवस्था कैसी है, क्या है इसका मतलब। देखिए कि ये जो क्रिस्टलीय होते हैं इनकी कणों की व्यवस्था क्या होती है, दीर्घ परासी, आप देख पा रहे होंगे कैसी है, दीर्घ परासी ज्यामिति, अर्थात सभी कण एक निश्चित व्यवस्था में है। और यहाँ क्या है लघु परासी ज्यामिति, इसका मतलब देखिए क्या है। अच्छा देखिए हम वापस इसी पे आते हैं, क्रिस्टलीय क्या है दीर्घ परासी और अक्रिस्टलीय क्या है लघु परासी, इसका मतलब ये क्रिस्टलीय का है। देखिए आप अगर एक व्यवस्था की बात करते हैं कि भाई ए के बाद क्या आ रहा है बी और बी के बाद वापस ए आ रहा है, तो क्या ये क्रम उसके बाद भी जारी है, यस ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, देखिए यही क्रम लगातार चलता जा रहा है, किसी में भी किसी भी बिंदु पर देखिए, समझ में आ रही बात। तो कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घ परासी, मतलब अनंत तक जहां तक क्रिस्टल है उसी क्रम में चलती जाएगी, इसको क्या बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था बोलते हैं। लेकिन अगर आप अक्रिस्टलीय की बात करोगे, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अगर आप अक्रिस्टलीय की बात करते हो तो उसके अंदर क्रम क्या होता है कुछ इस तरीके से चल सकता है, हालांकि इसमें कोई क्रम ही नहीं है, ठीक है। ये कैसा है समदैशिक, क्लियर है, ध्यान देना भी बहुत अच्छे से, हम क्या कह रहे हैं क्रिस्टल में कैसे होते हैं दीर्घ परासी, मतलब क्रिस्टल में कणों की जो व्यवस्था है उसका जो क्रम है वो क्या होगा लॉन्ग लास्टिंग, आखिरी तक एक ही व्यवस्था में चलता जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, इसको बोलते हैं दीर्घ परासी कणों की व्यवस्था। और इसमें देखते हैं आप ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी, लेकिन बी के बाद बी, बी ए बी, कोई व्यवस्था नहीं है, ए के बाद बी, बी के बाद ए की जो व्यवस्था है कहां तक आई, यहां तक आई, इसके बाद बदल गई, देखिए यहां पे फिर बी के बाद बी आया, फिर से वापस बी के बाद ए आ गया, फिर से व्यवस्था बदल गई। तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद कणों की व्यवस्था क्या हो रही है बदल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए लघु परासी ज्यामिति, कणों की व्यवस्था कैसी है लघु परासी। तो ध्यान देना भाई क्रिस्टल में क्या है ज्यामिति कैसी है निश्चित नियमित ज्यामिति, अनियमित ज्यामिति है, पारदर्शी अर्ध पारदर्शी, दीर्घ परासी, क्रिस्टल में क्या है दीर्घ परासी और अक्रिस्टल क्या है लघु परासी, क्लियर है। अच्छा देखिए नेक्स्ट के अंदर बात करें गलनांक की बात करते हैं, गलनांक कैसा है, देखिए दो चीजें हैं, आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूं फिर अपन इसकी बात करेंगे। गलनांक अगर आप एक तो धातु को गलाइए, ठीक है, गलनांक क्या होता है जिस पर कोई भी ठोस जो है अपनी गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो आप धातु को जैसे लोहे को हम पिघलाते हैं, ठीक है, लोहे को अगर अपन पिघलाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम देखेंगे कि लोहा ठोस है लगभग 1370 के आसपास पिघलता है, 1370 डिग्री सेल्सियस के आसपास लोहा पिघलता है, तो 1370 डिग्री सेल्सियस से पहले लोहा क्या रहेगा ठोस रहेगा और 1370 के बाद वो गलित अवस्था में आ जाएगा, समझ में
हमारी बात। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, गलनांक कितना हुआ लोहे का 1370 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आप जैसे प्लास्टिक का मानकर है, आप इसको पिघलाइए, आप इसको पिघलाएंगे तो लगभग 70-80-90 डिग्री सेल्सियस के बाद में ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसे ऐसे पिघलने लगेगा, धीरे धीरे ऐसे लटकने लगेगा, फिर उसके बाद ये बहने लगेगा और फिर गलित अवस्था में आएगा। हम इसका गलनांक क्या बोलेंगे कि भैया 80 से लेकर के लगभग 110-120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघलता है। तो हमने क्या कहा, एक रेंज बोली है, एक परास कहा है कि 80 से 120 तक पिघलता है, ध्यान दीजिए बात पे। और धातु में हमने क्या कहा कि 1370 में पिघल जाता है, तो एक निश्चित गलनांक की बात की है। आगे बात समझ गए, तो क्रिस्टल ये क्या होते हैं, निश्चित गलनांक वाले होते हैं, जबकि हमारे पास क्रिस्टल ये कैसे होते हैं, परासी गलनांक, मतलब कि निश्चित नहीं है, एक परास होती है, रेंज होती है, यहां से यहां तक पिघलते हैं। और उस पिघलने की जो अवस्था है, समझ रहे हैं आप, जैसे हमने मार्कर की बात की है 80 से 120-110 डिग्री सेल्सियस, उसके बीच में कई अवस्थाएं आती है, है ना। क्रिस्टलिन में हमने क्या कहा, 1370 से पहले लोहा क्या है, ठोस, उसके बाद द्रव, तो ये अवस्था है। लेकिन प्लास्टिक में क्या होगा कि 80 पे ये कैसी अवस्था में आ रहा है, मुलायम अवस्था में आ रहा है, उसके ऊपर क्या आएगा, थोड़ा गहरे के गुण में आ जाएगा और उसके बाद द्रव अवस्था में आएगा, देना इसको बोलते हैं परासी गलनांक। तो ये कैसे है परासी गलनांक। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज है, गलनांक का वक्र है, आपको ये जो परासी गलनांक, ये निश्चित गलनांक है, ये चीज समझ में आ जाएगी इस गलनांक के वक्र से। देखिए जरा ये किसके लिए है, क्रिस्टल के लिए है, और ये किसके लिए है, एक्रिस्टल के लिए है। ध्यान देना भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, एक्रिस्टल। देखिए आप जरा गौर कीजिए इस बात पे कि गलनांक क्रिस्टल का क्या है, देखिए यहां से ताप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और यहां पे क्या चल रहा है, लगभग कांस्टेंट चल रहा है और फिर वापस बढ़ रहा है। यहां की जो अवस्था है, यहां ये कैसा है, ठोस, और यहां कैसा है, ये गलित, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ठोस में ताप बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रिस्टल का ताप नहीं बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने धातु की बात की 1370 पे पिघलता है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में ताप कितना है, 1370 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट नियत हो जाएगा, और उससे कम करते ही क्या होगा, ठोस, उससे ज्यादा करते क्या हो जाएगा, गलित। तो एक फिक्स पॉइंट पे क्या रहा है, उसका गलनांक है, निश्चित गलनांक है। और ध्यान दीजिए धातुओं का जो गलनांक होता है, या धातु जब भी ठोस से जब तक पूरी तरीके से द्रव में नहीं बदल जाती, उसका ताप निश्चित हो जाता है, यहां से यहां, ठीक है, ये किसका है, एक्रिस्टल का। देखिए ताप क्या होगा, एक वक्र में बढ़ता है चला जाएगा, बढ़ता है चला जाएगा, और उसके बीच में क्या होगा, परासी गलनांक बोलेंगे, पहले वो मुलायम होंगे, फिर वो बहते हैं, फिर उसके बाद वो गलित अवस्था में पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं हम परासी गलनांक। ओके, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैसिकता। दैसिकता का मतलब क्या है, पहले तो ये देखिए कि क्रिस्टल कैसे होते हैं विषम दैसिक और एक्रिस्टल कैसे होते हैं सम दैसिक। आप देख पा रहे होंगे ये है सम दैसिक, ये है विषम दैसिक, ठीक है, क्या चीज है, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे हम बात करते हैं कोई भी ठोस है उसका कुछ गुण ले लेते हैं, भौतिक गुण ले लेते हैं, ठीक है, भौतिक गुण का मतलब क्या हो गया, मैं इसको यहाँ से रब ऑफ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। भौतिक गुण देखिए जरा सुनते रहना मेरी बात, भौतिक गुण हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया उसका विद्युत का प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो प्रतिरोध अगर आप किसी क्रिस्टल का देखेंगे, ध्यान देना, अगर आप किसी क्रिस्टल का प्रतिरोध देखेंगे तो वो हर दिशा में अलग अलग आता है, कैसे, कणों की जो व्यवस्था है उसी के आधार पर प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पे कणों की व्यवस्था क्या है, किस दिशा में, देखिए ये क्या है, क्रिस्टल के लिए विषम दैसिक, देखिए जरा आप विषम दैसिक है क्रिस्टल में दैसिकता, तो ये किसका है, क्रिस्टल का, और ये किसका है, एक्रिस्टल का, ठीक है। यहाँ देखिए कणों की व्यवस्था क्या है, निश्चित क्रम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ए से बी की दिशा में जाते हैं, इस एरो को देखना मेन ध्यान से, ए से बी की दिशा में जाते हैं तो क्या है, बी ए बी ए बी ए बी ए, एक क्रम है, मतलब इसका इस क्रम के आधार पे गुण प्रतिरोध जो है वो कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए x मान है। लेकिन जैसे ही आप c से d की तरफ आ रहे हैं, इस एरो के अलोंग में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि a a a a ये तो क्रम अलग हो गया, इसका मतलब इसका गुण अलग होना चाहिए। तो हमने दो दिशाओं में, किस में, क्रिस्टल की इन्हीं दो दिशाओं में हमने क्या किया, एक भौतिक गुण को स्टडी किया, अगर अलग अलग व्यवस्था है तो गुण भी क्या होगा, अलग।
अलग अलग होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विषम का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो विषम दैसिक, क्रिस्टल कैसा हुआ, विषम दैसिक, क्यों, क्योंकि हर दिशा में कणों की व्यवस्था अलग है, लेकिन जैसी भी हो लगातार वैसी की वैसी चलती जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विपरासि बोलते हैं। इस जगह में क्या है, एलियन भी है तो ये भी चलती चली जाएगी, इधर क्या है, एलियन है तो चलती चली जाएगी, लेकिन दोनों दिशाओं में अलग अलग व्यवस्था होने की वजह से वो त्रिकोण अलग अलग रहेंगे, इसलिए क्या है, विषम दैसिक है। अच्छा ये क्या है, समदैसिक, देखिए जरा मैं इस डायरेक्शन में चला जाता हूँ, ये है और एक मैंने ये डायरेक्शन लिखी, ठीक है। जरा देखिए यहाँ ए से बी तक जाओगे तो ए ये ग्राफ आ रहा है, बी ए ए ए बी ए बी ए बी, इधर क्या है, सी से डी में देखिए क्या आ रहा है, बी बी बी, ऐसा क्रम आ रहा है, लेकिन ये क्या है, एक्रिस्टल, एक्रिस्टल का क्रम निश्चित होता है क्या, बताइए निश्चित होता है क्या, नहीं, अनियमित अनिश्चित व्यवस्था। तो क्या बताइए, आपको मालूम है कि इस ए के बाद क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा, इधर इस बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा, हमें कोई मालूम नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई इस दिशा के अंदर भौतिक गुण क्या रहने वाला है और इस दिशा में भौतिक गुण क्या रहने वाला है, अनियमित है अनिश्चित, इसका मतलब हमें आगे मालूम ही नहीं कि कौन सा कण आएगा, इसका मतलब हमारा भौतिक गुण भी क्या है, अनिश्चित है, समझ में आ रही है बात, अनिश्चित है, इसका मतलब हम क्या ले लेते हैं, एवरेज, क्या ले लेंगे, एवरेज, ठीक है। किसका एवरेज, इस प्रतिरोध का, भौतिक गुण का, इस दिशा में भी हमने एवरेज ले लिया और इस दिशा में भी एवरेज ले लिया, एवरेज तो कैसे के बराबर होता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो हम इस क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल में हम क्या कहेंगे, इसको सम जैसे, क्योंकि हम क्या लेते हैं, भौतिक गुणों का एवरेज लेते हैं, क्योंकि आगे की कण की हमें व्यवस्था मालूम नहीं है, अव्यवस्थित अनियमित है, इसलिए एवरेज लेते हैं, और एवरेज भौतिक गुण क्या होंगे, पूरे क्रिस्टल में समान होंगे, समान होंगे, वर्ड पर ध्यान देना, इसलिए सम जैसे है, सम जैसे, ओके। और क्रिस्टल का क्या होती है, व्यवस्था निश्चित है, हमें मालूम है कि इसमें यही चलता जाएगा, तो इधर प्रतिरोध कुछ अलग आएगा, इधर कुछ अलग आएगा, तो दोनों दिशाओं में अलग अलग प्रतिरोध है, भौतिक गुण प्रतिरोध अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएगा, विषम दैसिक, विषम दैसिक, ओके। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ठोस की प्रकृति कैसी है, ठीक है। ठोस की प्रकृति पहले आप यहाँ देखिए, क्रिस्टल की कैसी होती है, वो वास्तविक ठोस होता है, ट्रू सॉलिड, कैसा, वास्तविक ठोस, और इसमें कैसा होता है, आभासी ठोस। ध्यान देना इस बात पे, एक क्रिस्टल अपने आप में ठोस है ही नहीं, ये बेईमानी है कि हम क्या लिख रहे हैं, एक क्रिस्टल ये ठोस लिख रहे हैं, एक क्रिस्टल ये ठोस लिख रहे हैं, ये ठोस होता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, ठोस का गुण कैसा होता है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ठोस का गुण कैसा होता है, क्या बहने का गुण होता है क्या उसमें, बताइए, बहने का गुण होता है क्या, नो, क्योंकि ठोस के कण क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल टाइट आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बहते नहीं है बिल्कुल भी, तो ठोस का गुण बहने का तो नहीं हो सकता, ध्यान देना इस बात पे, है ना। तो एक्रिस्टल जो होते हैं उनमें कुछ मात्रा में बहने का गुण होता है, ठीक है, कुछ मात्रा में बहने का गुण, और भैया इसी कारण से क्या है, इनको आभासी ठोस कहते हैं, क्यों, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ मात्रा में क्या होता है, बहने का गुण होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आभासी। भैया ठोस है नहीं लेकिन फिर भी कह रहे हैं आभासी, मतलब पागल बना रहे हैं, समझ में आ रही बात, इनको क्या कहेंगे, आभासी ठोस, क्योंकि इनमें कुछ मात्रा में बहने। अच्छा क्वेश्चन पूछे कि एक्रिस्टल को आभासी ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन ठोसों में कुछ मात्रा में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको आभासी ठोस कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होता, इसमें क्रिस्टल ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक ठोस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा इसके आगे अतिसिद्ध द्रव लिखा है, क्या होता है अतिसिद्ध द्रव या बहने के गुण का कुछ एग्जाम्पल, तो देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, देना उन बिल्डिंग्स के ऊपर जैसे ही शुरुआत में नई नई जब होती है उनमें कांच लगाए जाते हैं, तो कुछ उस कांच का जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा है मान लीजिए वो 1 mm की मोटाई का है, क्लियर है बात, उसकी मोटाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक जैसी है, ठीक है। लेकिन एक लंबे समय के बाद क्या देखेंगे कि उन खिड़कियों के जो कांच है उसका ऊपर का हिस्सा जो है उसकी मोटाई तो घट जाती है 0.9 mm हो गई, और नीचे के हिस्से की मोटाई बढ़ गई, कितनी हो गई 1.1 mm हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर
ऊपर के जो कण थे वो क्या हो गए, बह कर नीचे की तरफ आ गए, किधर, जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, नीचे की तरफ लगता है तो वो बह कर नीचे की तरफ आ गए। तो इन कणों के नीचे की तरफ आने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ बहने का गुजर। अच्छा बिल्कुल नहीं, ये पानी की तरफ नहीं बहेंगे, थोड़ा बहुत पानी की तरफ बहेंगे तो खिड़की का कांच रुकेगा तो बह करके निकल जाएगा, समझी बात। तो कुछ ना कुछ बहने का गुण है, इस वजह से वो नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, इसीलिए इनको आभासी ठोस या सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो आपको इसका आंसर देना आना चाहिए कि क्या ऐसे ठोस जिनमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में बहने का गुण पाया जाता है उन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो ये क्या है, लिक्विड ही है, द्रव ही है, लेकिन बहुत ही सुपर कूल है, ठंडे हैं, इसलिए वो जम गए, ऐसा लिक्विड जो जम गया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बहने का गुण जरूर होगा। ओके चलिए उसके बाद में एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें धातुएं होती हैं लगभग सभी, ग्लास, अच्छा ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज ना होना। अगर ग्लास और क्वार्ट्ज ध्यान से देखना, भाई आप ऐसा सोचेंगे कि भैया ये गलत लिख दिया, नहीं, अगर आपको ग्लास और क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, आपको चार ऑप्शन दे दिए क्रिस्टल और एक्रिस्टल के, जिसमें तीन तो प्योरली एक्रिस्टल है और एक ग्लास दे दिया, तो ग्लास किसमें आएगा, क्रिस्टल में ही आएगा, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। और अगर आपको एक धातु दे दिया, एक ग्लास दे दिया और दो कोई प्लास्टिक दे दिया, तो फिर ग्लास को हम क्या मानेंगे, एक्रिस्टल में काउंट करेंगे, धातु को क्या बोलेंगे, भाई वो क्रिस्टल है, समझ में आ रही है बात। तो कहीं पे भी आप अगर ग्लास को एक्रिस्टल में देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, आपको अगर नोट करना है आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब हमने क्रिस्टल और एक्रिस्टल की बात की, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो क्या है, क्रिस्टल जाला हुआ है एक अकोस्टिक का, मतलब क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल की हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम क्रिस्टल लैटिस या फिर हम क्रिस्टल या ठोस की ही बात करने वाले हैं, एयर क्रिस्टल की बात नहीं करेंगे। देखिए कोई भी जो ठोस होता है उसके कणों की व्यवस्था कैसे होती है, त्रिविमीय व्यवस्था होती है, त्रिविम आप समझते होंगे इसको, 3D बोलते हैं, मतलब अगर आपने किसी एक कण को पकड़ा और उसके तीनों डायरेक्शन में बात करोगे, इस एक्सिस पे बात करोगे तो दोनों तरफ कण आएंगे, इस वाले एक्सिस पे बात करोगे तो कण आएंगे और इस वाले एक्सिस पे भी कण आएंगे, इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय व्यवस्था, ठीक है। तो त्रिविमीय व्यवस्था पाई जाती है, ओके। और अगर अपन बात करें कि वो जो कण है, कौन जो उस ठोस के जो कण है उनको हम क्या करें, किसी बिंदु से दर्श करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्रिस्टल की बात करता हूँ या क्रिस्टल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और क्यूबिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए मैंने क्या कहा कि भाई ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये जो भी मैं डॉट्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि वो अवयवी कण है, जिस ठोस जो ठोस है जिससे वो बना हुआ है उसके अवयवी कण कहाँ कहाँ है, इन डॉट्स के ऊपर जो मैंने बिंदु लगाए हैं, ठीक है। इसमें और छोटी छोटी इसके और टुकड़े करते हैं, देखिए कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा इमेजिनेशन का चैप्टर है, आपको इमेज करना पड़ेगा, जो बोल रहा हूँ सोच के देखना पड़ेगा। अब देखिए एक बड़ा सा क्यूब था, हमने कितने भागों में बांट दिया इसको, चार भागों में बांट दिया, 1, 2, 3 and 4। अब ध्यान देना काफी सारी डेफिनेशन आएगी। पहली चीज तो ये देखिए कि इसमें हमने क्या कहा कि जहां जहां पर मैंने ये बिंदु लगाए हैं वहां वहां पे क्या है, अवयवी कण है, कौन है, अवयवी कण है, ठीक है, अवयवी कण, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या होता है, बहुत से अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शाते हैं, ठीक है, बिंदु से दर्शित, ठीक है ना,
ऐसी व्यवस्था जिसमें अव्यवी कणों को किससे दर्शाए, बिंदु से दर्शाए, और इन बिंदुओं को आपस में मिला ले तो जो प्राप्त त्रिविमीय व्यवस्था है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। एक ऐसी है, एक त्रिविमीय व्यवस्था है। ध्यान देना क्या किया हमने, यदि किसी क्रिस्टल के जो भी अव्यवी कण है उनको बिंदु से दर्शाते हैं, ठीक है ना, बिंदु से दर्शाते हैं, उन सभी को मिला दें, उन सभी को मिला दे, मिला दिया, देखिए जो भी नोट्स थे सबको मिला दिया हमने, और उससे जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं, क्लियर है। और वो बिंदु, ठीक है, वो बिंदु जो क्या कर रहे हैं, अव्यवी कण को दर्शा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जालक का केंद्र बोलते हैं, जालक बिंदु मान लीजिए, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, ठीक है ना, वे बिंदु जो अव्यवी कण को दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं अव्यवी कण को। तो इसमें बताइए कि जालक बिंदु कौन कौन है, ये ही क्या है, जालक बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु से ही हम क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अव्यवी कण बैठा है, और ये सभी अव्यवी कण क्या है, आपको इनको मिला दिया है, तो इसको मिलाने के बाद जो व्यवस्था प्राप्त होगी त्रिविमीय व्यवस्था, इसी को क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल जालक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं इन चार, अभी हम क्या कह रहे हैं कि भाई इस बड़ी सी स्ट्रक्चर में चार छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है ना, और इन चारों को अगर हमने मिला दिया है तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही चार को यहाँ और रख दें तो इसका डबल स्ट्रक्चर, उतनी ही आठ को और रख दें तो उसका डबल स्ट्रक्चर, टोटल 16 हो गई, 16 और रख दें तो और बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, ध्यान देना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से किसी एक, जैसे बिल्डिंग बनती है, ठीक है, बिल्डिंग में क्या है, ईंट, ईंट को हम बार 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 रखते जाते हैं के बाद एक ईंट रख रहे हैं तो क्या होता है, बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ही पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे किया हमने, ये वाली जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, सूक्ष्म मतलब इकाइयां हैं, इनकी पुनरावृत्ति से, इनको बार बार रखने से, ठीक है। तो इसी सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को कहते हैं एकक कोष्ठिका, क्या बोल रहे हैं इसको, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। तो क्या है ये, सूक्ष्मतम इकाई, ठीक है ना, जिसकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है, पूरा क्रिस्टल जालक बनता है, क्लियर है ना, जिसकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। तो आप परिभाषित कर सकते हैं इन सभी चीजों को कि किसी क्रिस्टल की वो सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से उस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो क्या है, एक कोष्ठिका कहलाती है। अच्छा, अगर आप क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में या किसी भी त्रिविमीय व्यवस्था में हम अव्यवी कणों को बिंदु से दर्शाते हैं और उन सभी बिंदुओं को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल जालक बन जाएगा। और क्या बोल सकते हैं भाई, कि वो बिंदु जो उस क्रिस्टल के अव्यवी कणों को दर्शा रहा है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहते हैं, क्लियर है सारी कहानी, ठीक है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि भाई एकक कोष्ठिका क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले देखिए कि ऐसी व्यवस्था, हमने कहा कि व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, इन व्यवस्थाओं से ये जो क्रिस्टल के जालक है, ऐसे क्रिस्टल तंत्र बहुत सारे बनते हैं, ऐसे बनेंगे, देखिए क्रिस्टल तंत्र मैं इसको कह रहा हूँ, क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, ये 7 होते हैं, ठीक है, कितने होंगे, 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं इन व्यवस्थाओं से, भाई कैसे बनेंगे अभी अपन बात करेंगे उसकी, ठीक है। अच्छा देखिए, हम इस एकक कोष्ठिका की बात कर रहे हैं, मैं वापस से आपको बोलता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल जालक की, त्रिविमीय व्यवस्था होती है क्रिस्टल की, तो अव्यवी कण जो है वो क्या है, बिंदुओं से दर्शाए गए हैं, और इन बिंदुओं को मिला दें तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल जालक बन जाएगा, और वो बिंदु जो क्या कर रहे हैं, अव्यवी कणों को दर्शा रहे हैं, उनको क्या कहा, जालक बिंदु। इस पूरे क्रिस्टल में एक निश्चित संरचना है, ऐसी इकाइयां जिनकी पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बना है, उसी को क्या बोल रहे हैं, कोष्ठिका बोल रहे हैं। और ऐसे कितने टाइप के क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल तंत्र बनते हैं, 7 प्रकार के बनते हैं। आइए अब बात करते हैं, पहले एकक कोष्ठिका की बात करते हैं, भाई वो कैसी दिखती है,
हम एकल कोष्ठिका, अच्छा देखिए एकल कोष्ठिका के जो गुण होते हैं वो गुण किसके होते हैं, उस क्रिस्टल तंत्र के गुण होते हैं, ठीक है। देखिए एकल कोष्ठिका कैसे है, मैं एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा हूं, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी एकल कोष्ठिका के गुण, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एकल कोष्ठिका के गुण, देखिए मैं यहां लिखता हूं एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका के गुण क्या होते हैं, टोटल छह होते हैं, ठीक है। उसमें से तीन तो क्या है, तीन तो क्या है, देखिए अक्षीय, अक्षीय कोण, ठीक है, और तीन क्या है उसकी भुजा, भुजा कौन सी होती है, ए बी और सी, और कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ध्यान देना भाई, बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि जो एकल कोष्ठिका है उसके छह गुण होते हैं, छह पैरामीटर होते हैं, मतलब ऐसे छह पॉइंट है जिनसे हम उस एकल कोष्ठिका को परिभाषित कर सकते हैं, है ना भाई। सभी एकल कोष्ठिकाओं की भुजा एक जैसे तो नहीं होगी, कोण एक जैसे तो नहीं होगी, कोण कहां पे है, ये वाले हैं कोण के बीच में ड्रॉ, ठीक है। तो ये तीनों कोणों का क्या मान रहेगा और उन तीनों भुजाओं का क्या मान रहेगा, इन मान के आधार पे इस एकल कोष्ठिका को परिभाषित करते हैं। तो इन्हीं छह पैरामीटर्स को, इन्हीं छह गुणों को अपन क्या बोलते हैं, कोष्ठिका के गुण बोलते हैं। तीन तो क्या हो गया, अक्षीय कोण, और तीन हो गए भुजा, अल्फा बीटा गामा कोण और एबीसी भुजा। देखिए जरा मैं इसमें बात कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि एक अक्ष मेरे पास ये हो गया, एक अक्ष ये हो गया और एक अक्ष ये हो गया, क्लियर है ये बात, ठीक है। और मैंने इस भुजा को बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया सी, ठीक है। अब देखिए ए और बी भुजा के बीच में कौन सा कोण होता है, ये होता है गामा, कौन सा कोण होता है गामा, ठीक है ना। बी और सी के बीच में कौन सा होता है अल्फा, और सी और ए के बीच में कौन सा होता है बीटा। तो देखिए ये क्या थी, ये थी एकक कोष्ठिका, और एकक कोष्ठिका में क्या है, तीन भुजा और तीन अक्ष, ये कोण, टोटल कितने हो गए, छह पैरामीटर, छह गुण हो गए, इन्हीं से उस एकक कोष्ठिका को परिभाषित किया जाता है, क्लियर है ये बात, ठीक है। कौन है वो छह गुण, तीन अक्षीय कोण, अल्फा बीटा गामा, अल्फा कौन, सॉरी अल्फा कौन कौन सा है, बी और सी के मध्य, ए और बी के मध्य क्या है गामा कोण, और ए और सी के मध्य क्या है बीटा कोण है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान देना भाई, किसी भी एक कोष्ठिका के जो गुण होते हैं क्या है, छह गुण है, छह पैरामीटर है, वो ही क्या होते हैं, उस क्रिस्टल तंत्र के गुण होते हैं। अब मैं वापस जा रहा हूं, वापस क्रिस्टल तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, एक कोष्ठिका के जो गुण है वो ही क्या होते हैं, क्रिस्टल तंत्र के गुण होते हैं, क्लियर है। और क्या है गुण, तीन तो कोण और तीन भुजा, क्लियर, और इनकी अलग अलग व्यवस्था होती है। देखिए मान लीजिए किसी एक कोष्ठिका में ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर है लेकिन तीनों कोण बराबर नहीं है, दूसरी कोष्ठिका ऐसी है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं लेकिन तीनों कोण बराबर है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग व्यवस्थाएं आती है और उन्हीं अलग अलग व्यवस्थाओं से क्या बनते हैं, अलग अलग क्रिस्टल तंत्र बनते हैं, क्या बनते हैं, क्रिस्टल तंत्र बनते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सात प्रकार के होते हैं, कितने हैं, सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल टर्म्स, किसके आधार पे बने हैं, एकल कोष्ठिका के अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पे, अलग अलग व्यवस्था कैसे हुई, उसके गुणों के आधार पे, वो क्या है, छह गुण है, तीन कोण और तीन भुजाएं, और आपके सामने मैंने एकल कोष्ठिका को ड्रॉ कर दिया है, समझ में आ गई बात। अब देखिए कि ये जो एकल कोष्ठिका है ये मैं ना इसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ, आपको उतारना है तो आप पॉज करके उतार सकते हैं, अब इसी में तो मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखिए एकल कोष्ठिका के अंदर क्या होते हैं, छह फलक होते हैं, ठीक है, ये क्या है फलक, फलक क्या होता है, फलक दो कोष्ठिका का मिलान क्षेत्र। भाई कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें एक ही थोड़ी कोष्ठिका है, बहुत सारी कोष्ठिका है, तो एक कोष्ठिका यहां है, दूसरी इधर है, तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है, एक इधर आएगी एक पीछे आएगी, एक दो तीन चार
पांच और एक पीछे से छह, इतनी हुई छह। आप जिस कमरे में बैठे हैं इमेजिन कीजिए उस वो एक एक्रोस्टिक का है, उसमें क्या होती है एक दाई साइड से दीवार है वो एक फलक हो गया, बाई साइड से दूसरा फलक, छत तीसरा, जो फर्श है वो चौथा, सामने वाली दीवार पांचवा और पीछे वाली दीवार छठा, कितने फलक हुए छह। और फलक क्या है, फलक क्या है, कोई दो कोष्ठिकाएं जहां से मिलती है उसको क्या बोलते हैं फलक। अब मान लीजिए आपके बाई तरफ का कमरा है उसकी और इस कमरे की जो ये वाली दीवार है बाई तरफ की, ये क्या है कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों कमरे मिल रहे तो ये क्या हुआ फलक। ठीक है, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं किनारा, क्या बोल रहे हैं किनारा, इसको बोलते हैं एज किनारा, और किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है कोना, कोना कॉर्नर, ठीक है ना। तो ये भी एक एक्रोस्टिक था। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से देखना, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन चीजों को पोज कर लीजिए, अभी तो मैं तो बैठा रहा हूं आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप इसको पोज कर ले, वीडियो को वापस से चला ले और उतार सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने एकल कोष्ठिकाओं की बात कर ली, उसके पैरामीटर्स की बात कर ली, तो एकल कोष्ठिकाओं के टाइप कितने होते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे एकल कोष्ठिकाओं के टाइप होते हैं जिनमें देखिए मेनली दो टाइप की होती है, तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूं कोष्ठिका के प्रकार। ठीक है, देखिए पहला होता है इसमें मुख्य प्रकार जो है पहला मैं बात कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव कोष्ठिका बोलते हैं, सामान्य सामान्य अर्ध अर्ध कोष्ठिका, इसको ध्यान देना क्या बोलते हैं प्रिमिटिव, ये याद रखना भाई प्रिमिटिव याद रखना, इससे आपको आगे बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, ये हो गई, क्या होती है देखिए जरा ऐसी कोष्ठिका, ठीक है, जिसमें जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हो, मतलब अभी हमने कोष्ठिका बनाई थी वो वापस से ड्रॉ कर रहा हूं ध्यान से देखना, ये मैंने वापस से एक कोष्ठिका बनाई और इस कोष्ठिका के कोने कितने हैं भाई काउंट कीजिए, देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, और मैंने क्या लगा दिए हैं डॉट, किसको दर्शाएंगे अभी कणों को, तो अभी कण कहां है इसमें केवल कोनों पर, तो देखिए कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहां है केवल कोनों पर है, तो उसको क्या बोलेंगे सामान्य अर्ध कोष्ठिका, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है, देखिए सेकंड देखिए, दूसरी मुख्य वर्गीकरण जो है कोष्ठिका का प्रकार जो है उसको बोलते हैं केंद्रित, क्या बोलेंगे रिपीट कीजिए भाई केंद्रित कोष्ठिका, ठीक है केंद्रित, ठीक है इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं केंद्रित, केंद्रित का मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं किसी केंद्र में तो कण नहीं है क्या, मतलब सही है केंद्रित का मतलब कोई कण केंद्र में, कौन सा केंद्र, बहुत सारे हैं इसलिए इसमें सब टाइप्स है। देखिए पहला पहला बोलते हैं काय केंद्रित कोष्ठिका, ठीक है मैं इनका इंग्लिश नाम लिख रहा हूं वो आपको बहुत जरूरी है याद रखना, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना बॉडी सेंटर्ड, काय मतलब काया बॉडी उसकी, ठीक है कोष्ठिका की। देखिए आप अपना रूम सोचिए, एक मान लीजिए रूम क्या है आपका घनीय है क्यूबिक, ठीक है और उसमें छह फलक है आठ कोने हैं, बताइए किनारे कितने होंगे भाई, कोने आठ है तो किनारे भी आठ होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने भी आठ है किनारे भी आठ है लेकिन फलक कितने हैं छह। अब देखिए इस कोष्ठिका में क्या होंगे, अच्छा यहाँ पे सिंपल प्रिमिटिव में फर्क कहाँ पे है केवल कोनों पे, ठीक है अब कोई सी भी प्रकार की कोष्ठिका हो कोनों पे तो कण आएगा ही आएगा, मतलब इसके कोनों पे तो कण है ही है, ठीक है लेकिन इसका नाम क्या कह रहा है कि इसकी बॉडी के सेंटर में भी है,
और ये पूरी कोशिका है उसका बॉडी का सेंटर क्या हो गया ये, ठीक है ठीक है, केंद्र में, केंद्र में। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, कोणों के अलावा कण कोष्ठिका कोष्ठिका के केंद्र में भी हो, भी हो। ध्यान देना भी मैं पूरा नहीं ले रहा हूं, आप समझ सकते हैं ठीक है। कपल कहां है, कण कोणों के अलावा, कोणों पे तो नहीं है, आठ कोणों पे है, लेकिन एक कहां है, एक उसकी बॉडी के सेंटर में भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, गाय के सेल या बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। दूसरा देखिए ठीक है, केंद्रित में दूसरा क्या है, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित इसको क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड। क्लियर है, क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि भाई जो कोणों, अच्छा कोणों पे तो होगी होगी ठीक है, सभी कोशिकाओं में कोणों पे तो होगा ही होगा। अगर केवल कोणों पे है तो सिंपल प्रिमिटिव आद्यकोष्ठिका कोणों के साथ में बॉडी के सेंटर में भी है, काय केंद्रित हो जाएगा। और इसके अंदर भी क्या होगा, कोणों पे तो है ही है, उसके साथ में क्या हो, फलकों के केंद्र पर भी हो। ध्यान देना, नाम में लिखा है फलकों के केंद्र पर भी हो। और भाई फलक इतने अच्छे तो एक तो ही ऊपर का इसका केंद्र ये रहा, एक ही नीचे का उसका केंद्र ये रहा, इधर मेरी तरफ ये रहा, उस तरफ ये रहा, सामने वाला फलक ये है। ध्यान देना भाई, बहुत क्लियर, थोड़ा इमेजिनेशन से ही हो जाएगा। सामने वाला फलक उसका केंद्र ये, पीछे वाला फलक ये उसका केंद्र ये। नहीं समझ आ रहा, रिवाइंड करो वीडियो को, पीछे करके वापस से देखिए ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित। तो देखिए कोणों के अलावा, कोणों के अलावा कण कोष्ठिका के फलकों के केंद्र में भी हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित। और आइए लास्ट जो है इसमें सी, ठीक है, केंद्रित में सी, वो क्या होती है, आद्य, ठीक है, वो आद्य है, प्रिमिटिव, ये आद्य है, आद्य केंद्रित कोष्ठिका, इसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड। आपको हेल्पफुल होगी इंग्लिश वर्ड्स, इसलिए आप ध्यान दें ठीक है। देखिए मैं कोष्ठिका को ड्रॉ कर रहा हूं, कोष्ठिका वही आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा देखिए, हमने कोणों की तो बात बोली है, कोणों पे तो होगा ही होगा, यस कोणों पे तो है। इसके अलावा आद्य का मतलब क्या होता है, एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर है। मैंने एक फलक ये ले लिया, ये दोनों फलक ले लिए, देखिए जरा ये दोनों फलक ले लिए, तो एक तो इस फलक का केंद्र, एक इस फलक का केंद्र, कोणों पे तो है, इन दो फलकों के केंद्र में भी आ गया। तो क्या लिखूंगा मैं, कोणों के अलावा, ठीक है, देखिए सब में आ रहा है कोणों पे, तो किन्हीं किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर भी हो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्रकार है कोष्ठिका के, मुख्य दो प्रकार है, सामान्य आद्य कोष्ठिका और केंद्रित कोष्ठिका। आद्य कोष्ठिका मतलब केवल कोणों पर, और केंद्रित मतलब कोणों के अलावा केंद्र पर भी हो। कौन कौन से केंद्र, काय मतलब बॉडी, काया ये देखिए कोणों के अलावा बॉडी में, फलक केंद्रित मतलब कोणों के अलावा, आठ कोणों के अलावा छह जो फलक है उनके केंद्रों पर है, और आद्य मतलब एंड सेंटर मतलब क्या हो गया, कोणों के अलावा किन्हीं दो आमने सामने फलक के केंद्र पर हो। तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया इस कोष्ठिका के बारे में, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ओके, सो हमने इससे पहले जो टॉपिक देखा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वो टॉपिक हमने देखा, उसके अंदर हमने क्रिस्टल जालक की बात की, क्रिस्टल तंत्रों की बात की है, एकल कोष्ठिका के प्रकार की बात कर ली है, हमने दो मुख्य प्रकार की बात की जिसमें आधे प्रकार की कोष्ठिका केवल कोणों पर, और केंद्रित कोष्ठिका जिसमें हमने काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आधे केंद्रित की बात हमने की है।
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमने क्रिस्टल तंत्रों की बात की, कितने क्रिस्टल तंत्र हैं, सात क्रिस्टल तंत्र होते हैं। सात क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हैं आपके सामने, चलिए है क्या चीज जो हम ऊपर पढ़ने वाले हैं, क्या चीज है। क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, सात। कितने क्रिस्टल तंत्र हैं, सात। उन सातों क्रिस्टल तंत्र के नाम आपके सामने है, ये नाम है जो हम डिस्कस करेंगे। इन क्रिस्टल तंत्रों के अंदर जो एकल कोशिका के पैरामीटर्स थे, जो गुण थे, क्या थे, तीन भुजा और तीन कोण, उनकी अलग अलग व्यवस्था होती है, ठीक है। और उन अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पे हमारे पास टोटल कितने जालक बनते हैं, कितने लैटिसेस बनते हैं, 14 बनते हैं। दुनिया में कितने होते हैं अभी तक, 14 जालक का निर्माण होता है। कैसे होता है ध्यान देना, अलग अलग पृष्ठ तंत्रों में एकल कोशिका की अलग अलग व्यवस्था से, या एकल कोशिका के पैरामीटर की अलग अलग व्यवस्था से विभिन्न जालक का निर्माण होता है। मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, इनको क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्रेवे जालक। कितने होते हैं, 14। क्या है ब्रेवे जालक, क्रिस्टल तंत्र में एकल कोशिका के पैरामीटर की अलग अलग व्यवस्था से बनने वाले कुल जालक, जिनको हम ब्रेवे जालक कहते हैं, और ये कितने होते हैं, 14 होते हैं। और इसी केबल में हमें क्या पढ़ना है, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या पढ़ना है, उन सभी 14 जो हमारे पास जो ब्रेवे जालक है, या उन सभी सात क्रिस्टल तंत्र है, उनमें कोष्टिका के पैरामीटर की व्यवस्था पढ़नी है कि कब भुजा के साथ कैसा कोण आएगा, ठीक है। और इसमें से डैशबोर्ड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग ध्यान दें इसके ऊपर, ये आपको बुक में भी बनी हुई मिल जाएगी, लेकिन ध्यान देना बात पे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस बदला है। किसका बदला है मैंने सीक्वेंस, इन क्रिस्टल तंत्रों का सीक्वेंस बदला है, और इसमें ट्रिक्स इंसर्ट कर दी है, ट्रिक डाल दी जिसको आपको याद करना बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्रिस्टल तंत्र कितने थे, मेरे साथ रिपीट कीजिए, सात क्रिस्टल तंत्र थे। क्या क्या है, घनीय द्विसम लंबाक्ष, इसको चतुष्फलकीय भी बोलते हैं, विषम लंबाक्ष, त्रिसमंताक्ष, षटकोणीय, एकलताक्ष और त्रिसमंताक्ष, इंग्लिश के नाम उनके साथ में मैंने लिखे, बहुत आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप देखिए मेरी तरफ बाई ओर देखिए, जो मैंने ट्रिक्स लिखी हुई है, देखिए ट्रिक्स किसकी, क्रिस्टल तंत्र की, घन द्विसम विषम एंड त्रिसम, घन द्विसम विषम त्रिसम, घन मतलब घनीय, द्विसम मतलब द्विसम लंबाक्ष, ठीक है, विषम मतलब विषम लंबाक्ष, त्रिसम मतलब त्रिसम लंबाक्ष, ओके। उसके बाद क्या है, षट एकन और त्रिण, षट मतलब षटकोणीय, एकन और त्रिसमंताक्ष, मतलब क्या हुआ, घन द्विसम विषम और त्रिसम, षट एकन और त्रिण, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये सात जो हमारे पास क्रिस्टल के तंत्र है वो कौन कौन से हैं, ओके। फिर सभी में क्या होगा, हमें भुजा, भुजा याद रखनी है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, अक्षीय दूरी भी बोल सकते हैं। अक्षीय दूरी क्या है, देखिए घनीय के अंदर क्या होती है, अच्छा अक्षीय दूरी कोष्टिका के छह पैरामीटर में से तीन अक्षीय दूरी थी, क्या क्या थी बताइए, बताइए क्या क्या थी, ए बी और सी, ठीक है। अब वो या तो बराबर होगी, या तो दो बराबर होगी, या तो तीनों बराबर होगी, कुछ भी हो सकती है। देखो घन में तीनों बराबर है, द्विसम लंबाक्ष में ए और बी बराबर है, सी नहीं है इसमें, तीनों ही नहीं है इसमें, तीनों है, इनको याद रखने की ट्रिक देखिए जरा, इधर यानी क्या ट्रिक है, 320 320 0, 320 320 0, क्या है ट्रिक, 320 320 0। तीन का मतलब क्या है, तीन का मतलब क्या है, तीनों भुजा बराबर, तीन का मतलब क्या है, तीनों भुजा बराबर, दो का मतलब क्या है, पहली और दूसरी भुजा बराबर, ए और बी बराबर, और जीरो का मतलब तीनों बराबर, बहुत सिंपल हो गया, इज इट क्लियर। तो क्या हुआ, देखिए क्या है, 320 320 0, तो यहां से आपको ये सीक्वेंस याद है, जी सीक्वेंस गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या किया, देखो 320 320 320 0 320 0, तीन, यहाँ तीन आ रहा था, देखिए पहले में क्या है, तीन, तो पहले में तीन मतलब तीनों बराबर, ए बी सी बराबर, दूसरे में क्या है, दो, दो का मतलब क्या है, दो, ए और बी बराबर, सी बराबर नहीं, तीसरे में क्या है, जीरो, जीरो का मतलब क्या है, एक भी बराबर नहीं। तो ऐसे आप देखेंगे तो सारी की सारी भुजाओं को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आ रहा है मजा, अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है साथ के साथ में, ठीक है, रिपीट करते जाइए, पोज करिए और रिपीट करिए, मन में सोचिए, इसका मनन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे बहुत बड़ी टेबल लग रही है कि अब क्या करें, इसको कैसे याद करें, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे आपको बताता हूँ कि आपको मान लीजिए आपको बोलेगा कि षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र में भुजा और अक्षीय कोण क्या होते हैं। तो षटकोणीय क्या है ना, कितने नंबर पे है, पांचवें नंबर पे। आप दिमाग दिमाग में कर सकते हैं क्या होता है, घन द्विसम विषम त्रिसम और फिर क्या आता है षट, पांचवें नंबर पे आ रहा है। पांचवें नंबर पे भुजा में क्या आता है 320 मतलब दो, दो मतलब क्या हुआ, ए और बी बराबर और सी बराबर नहीं, ठीक है। इसमें भी पांच नंबर पे देखेंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपन अक्षीय कोण की बात करते हैं। अक्षीय कोण क्या होंगे, ये है सबके अक्षीय कोण। अच्छा अक्षीय कोण क्या क्या देखा, कोष्टिका के अंदर अल्फा बीटा गामा, ओके, वो 90 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, दो भी बराबर हो सकते हैं, कौन सा बराबर कौन सा नहीं वो कैसे याद रखेंगे। ये देखिए अक्षीय कोण का कोड है, आपको नजर आ रहा है, क्या है कोड बताइए, 4 × 3 क्या, 4 × 3 और 220, 4 × 3 और 220, ये कोड है। अब ध्यान देना भाई, कोड को समझना आपको तब आसानी से याद होगा। 3 का मतलब क्या है, तीनों एंगल बराबर, अल्फा बीटा गामा कितने के, 90 के बराबर। देखिए जरा यहां पहले में क्या है, 3 3 का मतलब क्या होगा, तीनों एंगल बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर है किसके, 90 के, फिर 3 फिर 3, अल्फा बीटा 90, अल्फा बीटा गामा 90, समझ आया, फिर 3 है, फोकस करो, ये देखो यहां पे भी 3 का मतलब तीनों बराबर 90 की, 3 0 मतलब तीनों ही बराबर नहीं 90 के। इस डिब्बे क्या है, एस्ट्रिक लगा है, स्टार बना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ अलग है ना। देखिए क्या है, 3 का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री से, लेकिन यह स्टार लगा मतलब इस 3 में थोड़ा बदलाव है। क्या बदलाव है कि हमें यह याद रखना है कि यहां पे अल्फा बीटा गामा बराबर तो है, 3 है ना, 3 का मतलब तीनों कोण बराबर है, यस, लेकिन वो किसके बराबर नहीं है, 90 के बराबर नहीं, काट दिया ना मैंने इसको, मतलब वो 90 के बराबर नहीं। चौथा ध्यान दो भाई, चौथा क्या है, 1 2 3 4 देखो अल्फा बीटा का बराबर है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। फिर देखिए 2 का मतलब क्या है, पहले दो कोण बराबर, ठीक है, लेकिन उसमें भी स्टार लगा है और अगले में भी स्टार लगा है, तो इस 2 का मतलब क्या है, याद रखना है इसी बात, इस 2 का मतलब क्या, देखिए आ रहा है यहां पे अल्फा बीटा 90 के बराबर लेकिन गामा कितना है, 120, अल्फा बीटा 90 गामा 120, फिर से क्या है 2 का मतलब क्या है, अल्फा गामा 90 लेकिन बीटा 90
पुष्टिका होती है प्रीमिटिव जातक का क्रम क्या है। सबसे पहले आपको पी लिखना है प्रीमिटिव आद्य, फिर लिखना है बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित बी, फिर लिखना है एफ फलक केंद्रित, फिर लिखना है ई क्या है आद्य। ये आद्य और ये आद्य है, ठीक है। अब देखिए क्या है ट्रीटमेंट, पहले में क्या आएगा तीन, पहले में इसमें तीन, तीन का मतलब क्या है पहली तीन का नाम लिख दो, पहली तीन कौन है क्रम देखिए हमारे पास क्रम क्या है पी बी एफ ई, तो क्रम में पहले तीन क्या है पी बी एफ, ठीक है। फिर क्या है टू, टू में पहले दो पी बी, फिर क्या है फोर, फोर में पहले चार पी बी एफ ई, चारों के चारों हो गई इसमें, है ना। ऐसा पूछ लीजिए ऐसा कौन सा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें चारों के चारों क्या आती है ब्रेवे जालक आते हैं या आपके कोस्टिकल के प्रकार आते हैं, तो चारों के इसमें आ रहे हैं। देखिए ठीक है। ओके थैंक यू फॉर द डे, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।